स्वागत है आपका पवन मार्ग एकेडमी में। जूही राजपूत है आपके साथ में और हम पढ़ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस। तो आज हमारा न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर्स। तो अलग अलग चीज़ें जो हमारे आसपास हैं या फिर हम खुद भी एक मैटर है, एक मैटर से बने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, मैटर आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अटोम क्या है, किसने खोजा, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर एक्चुअल में क्या है। सो स्टार्ट करते हैं मैटर के साथ में। मैटर एक्चुअल में क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैविंग इट्स ओन मास। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का स्पेस वो ऑक्यूपाई करती हो, उसके बाद में उसका खुद का मास भी हो, और साथ ही साथ हम उसको उसका प्रेजेंस जो है, मतलब वो है, प्रेजेंस है उसका, ये डिटरमाइन करने के लिए पांच सेंस जो है हमारे वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब पांच सेंस कौन से? हमारे साइट है, फिर उसके बाद में उसका साउंड, हियरिंग, साइट है, हियरिंग है, टच है, स्मेल है उसका, उसके बाद में टेस्ट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे पांचों जो हमारे सेंस हैं, तो इनसे हम उसको उसका प्रेजेंस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हम कहेंगे मैटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी हर वो चीज जिसका खुद का स्पेस होता है उसके बाद में हैविंग इट्स ओन मास। तो हर वो चीज जो इस दुनिया में प्रेजेंट है वो सारी मैटर्स के रूप में, मतलब आपकी ये पेन है, पेन है, हम खुद है, उसके बाद में नोटबुक, पेन, पेंसिल, टेबल, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं या खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो हम मैटर के रूप में कंसिडर करेंगे। तो ये मैटर में क्या क्या आएगा? मैटर में हमारे तीन जो है, मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स फर्स्ट इज योर सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। तो ये तीनों जो स्टेट्स है आपके, तो ये सारे के सारे मैटर्स में आते हैं। अभी आप कहोगे कि मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, तो यहाँ पर सॉलिड, कोई भी सॉलिड ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड, तो इसका अपना, इसने कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस अक्वायर किया है। अगर मैं अपने हाथ पे इसको रखूं तो उसने कुछ इतना स्पेस जो है मेरे हाथ का कवर अप कर लिया है, मतलब दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, उसको अपना कुछ खुद का स्पेस जो है वो लगता है। फिर उसका कुछ ना कुछ वजन जो है, मास जो है वो है, इसलिए ये मैटर के अंदर आ गया। फिर उसके बाद में ये लिक्विड, आप पानी का जार जब भरते हैं, भरा हुआ, खाली या फिर आधा भरा हुआ, तो ये भी डिपेंड करता है, मतलब आप जैसे उसको भरोगे, जितनी क्वांटिटी में आप लिक्विड पोर करते हो एक पैन के अंदर या फिर जग के अंदर, तो वो उतनी जगह जो है उस बर्तन की वो समा लेता है अपने अंदर। तो वो जगह जो है उसकी वजह से आपको क्या दिक्कत, मतलब क्या कंसिडर आप कर सकते हो कि लिक्विड्स भी स्पेस जो है वो अक्वायर करते हैं, उनका भी खुद को उनका स्पेस जो है वो लगता है। तो ये भी आ गया एक मैटर के अंदर। अभी गैसेस, आप कहोगे गैसेस तो पूरा पूरा जो एरिया है, जितना उनको प्रोवाइड करो उतना वो सारा एरिया जो है वो कवर अप कर लेते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है, गैसेस को कैसे कंसिडर करोगे कि गैसेस भी मैटर के अंदर आएंगे? आपने बलून फुला के देखा होगा, तो बलून जैसे इनफ्लैट आप करते हो, जैसे फुलाना स्टार्ट करोगे वो बड़ा बड़ा होते जाता है। क्यों बड़ा होता है? उसका साइज। अगर गैसेस अगर स्पेस एक्वायर नहीं करते, उनको अगर जगह नहीं लगती, तो गुब्बारा फूलने की जरूरत ही क्या थी? गैसेस को भी जगह लगती है, दे ऑल्सो एक्वायर स्पेस। तो इसीलिए दीज आर थ्री स्टेट्स ऑफ योर मैटर। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर? बढ़ते हैं आगे। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी उन दिनों मतलब कब, 200 साल पहले की बात है, 200 साल पहले जब मैटर्स के बारे में तो पता था कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होते हैं, लेकिन वो उनका डिवीजन भी हो सकता है या फिर वो कैसे बने हैं, इसकी खोज उन दिनों चल रही थी। तो उन दिनों 1803 में
इन 1803 में सर जॉन डाल्टन जो थे तो उन्होंने एक अटोमिक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की, मतलब अटोम क्या होता है एक्चुअल में वो उन्होंने प्रेजेंट किया। तो पहले प्रेडिक्ट करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो वही थे। पहले क्या होता था दोस्तों, एक्चुअली हमारे इंडिया में भी पहले खोज हो चुकी है इस बारे में, मतलब पहले जो ऋषि मुनियों के जमाने में ऋषि कणाद थे, तो कणाद ऋषि ने भी एक सिद्धांत रखा था कि जो मैटर होता है, हर वो चीज जो इस संसार में है वो छोटे छोटे कणों से बनी है, तो उन कणों का नाम उन्होंने परमाणु रखा था। ठीक है, हिंदी में उन्होंने वर्ड दिया था परमाणु, पर कैसा था कि बहुत पहले की बात है, तो उनका लिखित प्रमाण भी हमारे पास में है। लेकिन क्या होता है कई बार साइंस एग्जीबिशन वगैरह में पेपर प्रेजेंट करना ये उस रिसर्च का जो है वो आधार होता है। और उस टाइम पे जब दुनिया लिखने के साधन में नहीं थे, उस वक्त इंडिया में जो खोज हो रही थी, तो उसका रिप्रेजेंट करना या फिर उनको रिप्रेजेंट करना वो पॉसिबल ही नहीं था उस वक्त पे, तो उनको शायद वो मतलब उनको याद नहीं किया जाता इसलिए। लेकिन जो पहली थ्योरी, जो साइंटिफिक रिसर्च वाली थ्योरी होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स के साथ में प्रेजेंट की जाती है, दैट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय सर जॉन डाल्टन। तो सर जॉन डाल्टन ने क्या किया था, एक्चुअली 1803 में उन्होंने एक थ्योरी रिप्रेजेंट की जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीजें थी, तो उसके अंदर मेन जो 6 पॉइंट्स है वो ज्यादा फेमस है और वही हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो पहला उनका पॉइंट था कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड अटॉम्स। तो पहला लिख लेते हैं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे इस पॉइंट पर। तो दोस्तों पहला जो थ्योरी का पॉइंट था वो था ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड अटॉम। तो उन्होंने पहली बार ये वर्ड यूज किया था अटॉम। ठीक है, तो अटॉम मीन्स क्या था कि उनके हिसाब से हर वो चीज जो इस दुनिया में प्रेजेंट है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बनी है, दैट आर ऑल कॉल्ड एज अटॉम्स। तो ये कोई भी चीज हो तो बनी है अटॉम्स से। ठीक है, मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो सॉलिड के अंदर थोड़ा पास पास होते हैं अटॉम्स। ठीक है, बहुत पास पास होते हैं एक्चुअली, फिर लिक्विड्स के अंदर थोड़ा दूर दूर होते हैं, ओके, और गैसेस में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो ये अटॉम से हर जो है मैटर, जो हर चीज जो है वो अटॉम से बनी है, और अटॉम जो है ये कंसेप्ट पहली बार उन्होंने यूज किया था। उनके अकॉर्डिंग अटॉम कुछ ऐसा दिखता है, मतलब वो एक सिंपली एक छोटा सा स्फेरिकल शेप का बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, एकदम सॉलिड स्फीयर, वो ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर किसी तरह की जगह नहीं है, फुल्ली फिल्ड है वो मैटर से। सेकेंड पॉइंट उनकी थ्योरी का ये था कि द अटॉम्स आर इंडिविजिबल विच कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये उनकी थ्योरी का सेकेंड पॉइंट था कि जिससे क्या होता है कि अटॉम जो है वो फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप एक सिंपली पत्थर हो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर उस छोटे पार्ट को और दो पार्ट्स में डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करते 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 आप एक लास्ट स्टेज ऐसा आएगा कि उसके आगे आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो वो जो लास्ट स्टेज होता है दैट इज योर अटॉम। तो अटॉम को आप ना ही डिवाइड कर सकते हो, ओके, ना ही क्रिएट कर सकते हो, जो चीजें ऑलरेडी है उनके अंदर अटॉम से ही वो चीजें बनी है, इसलिए आप अटॉम को ना क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जो भी चीजें आपकी बनती है, मतलब अलग अलग जो कॉम्बिनेशन आप नेचर में बनाते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल आपका नमक है या फिर पानी है, ये सारे जो है ये कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स बनाने के लिए भी अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनकी जरूरत पड़ती है, अलग अलग एलिमेंट्स मिलाकर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में उनको मिलाया जाता है, तब वो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। तो ऐसी जब चीजें बनती है तो कंपाउंड के अंदर जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है और मैटर के अंदर अटॉम होता है। मैटर मीन्स कोई भी एक चीज, मतलब सिंगल चीज, फॉर एग्जाम्पल एक लोहे का खील ले लो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोहा ही बना है। अगर आप ये किसी भी दूसरी चीज का एग्जाम्पल लेते फॉर दिस डस्टर, तो इसके अंदर देखिए दो चीजें हैं, तो एक तरह का ये कंपाउंड हो गया,
कंपाउंड मीन्स एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्चुअली ये कंपाउंड नहीं हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं पेश कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। पहला है डस्टर का, ये जो स्पंज वाला हिस्सा है दैट इज फर्स्ट एलिमेंट, एंड ये वुडन हिस्सा है दैट इज सेकेंड एलिमेंट। तो इस तरह से दो एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करके कंपाउंड बनाते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं डिपेंड ऑन दैट रिक्वायरमेंट। तो जैसे रिक्वायरमेंट रहे वैसे हम स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में उनको मिलाकर जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अटॉम जो है वो इंडिविजिबल होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे, आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो तीसरा प्रेडिक्शन क्या था उनका, तीसरा यहाँ पर मिटा लेते पहले, ओके ये मिटाने की बात मैं आपको तीसरा प्रेडिक्शन में बताती हूँ। अगर आप मतलब क्लास में अगर आप जब आते हैं तब आप कॉपी और पेन लेके आया कीजिए, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये कई चीजें आपके बुक में नहीं दी गई है, अगर आप ये चीजें नोट कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा स्टडी जो है वो होती रहेगी। तीसरा प्रेडिक्शन जो था डाल्टन सर की थ्योरी का वो था अटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर एंड हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या था एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी मैटर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिया वो ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ऑक्सीजन अगर मैं लेती हूँ तो ऑक्सीजन का अगर मैंने इतना हिस्सा अगर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा क्यूब जो है एक क्यूबिकल एलिमेंट मैंने लिया जिसके अंदर मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है सॉरी मॉलिक्यूल्स कहेंगे या फिर एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है मैंने भर लिए, तो सारे जो ऑक्सीजन के अटॉम्स हैं वो दिखने में बिल्कुल सेम रहेंगे। मतलब कोई भी अगर एक एलिमेंट लेते हैं, एक सिंगल एलिमेंट आप डिसाइड करो, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन ले लो या फिर आयरन आप ले लो, कोई भी एक एलिमेंट आप डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद में अगर आप उनके अटॉम्स को कंपेयर करेंगे तो उनका मास भी सेम रहेगा और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी सिमिलर रहेंगी किसी भी एक एलिमेंट के लिए। मतलब अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के सारे जो अटॉम्स हैं वो बिल्कुल देखने में एक जैसे ही रहेंगे, साइज भी उनका एक ही रहेगा और तो और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सिमिलर ही रहेगी। ये था आपका तीसरा प्रेडिक्शन। चौथा प्रेडिक्शन जो है आपका इसी से रिलेट करता है। चौथे प्रेडिक्शन में क्या होता है कि अटॉम्स ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मास साइज एंड प्रॉपर्टीज। तो जो डिसिमिलर मैटर्स हम लेंगे या फिर कोई डिसिमिलर एलिमेंट हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन लेते हैं और दूसरा एलिमेंट हमने ऑक्सीजन अगर लिया, तो दोनों के अगर अटॉम्स हम कंपेयर करेंगे तो कार्बन का अटॉम अलग दिखेगा, उसका साइज भी अलग होगा ऑक्सीजन से, मास भी अलग होगा और प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल ही अलग होगी। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं उनके अटॉम जो है वो एक दूसरे से साइज शेप मास एंड प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं। तो यही बात है एटॉमिक थ्योरी का, ये चौथा पॉइंट जो है वो हमने पढ़ लिया है। अभी देखते हैं हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर मिटाने के बाद ही मुझे जगह मिलने वाली है उसको, तो आप इसको हर के साथ नोटिफाई कर लिया कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप कर लिया कीजिए। अटॉम्स जो है अभी ये रीड कर लेते पहले, पांचवा जो प्रेडिक्शन है अटॉम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए या फिर इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंपाउंड जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि जब आप दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो फॉर्म कंपाउंड बनाने के लिए, तो क्या होता है एक्चुअल में कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में एक फिक्स रेशियो का होना चाहिए कि ये जो अटॉम्स है स्पेसिफिक एलिमेंट के, मतलब एक नंबर का जो एलिमेंट है उसके में चार अटॉम्स लूंगा, फिर दूसरे एलिमेंट के में दो ही अटॉम्स लूंगा, फिर दोनों को कंबाइन जब करूंगा तो मुझे ये कंपाउंड जो मैं मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पानी बनाना है, अगर आपको पानी का फॉर्मूला क्या है H2O, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो हाइड्रोजन जो है मतलब दो हाइड्रोजन मिलेंगे ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है वो सिंगल है, मतलब दो हाइड्रोजन अटॉम्स और एक ऑक्सीजन अटॉम जब कंबाइन होंगे एक साथ तब हमको पानी जो है वो मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ है एक फिक्स प्रोपोर्शन है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दू यहाँ पर, अगर मैंने हाइड्रोजन एक ही लिया
ऑक्सीजन जो है वो धो ले रही है, तो पानी बनेगा क्या? नहीं, वो दूसरे किसी कंपाउंड को बनाएगा। मतलब अगर हमको फिक्स प्रीडिटरमाइंड कंपाउंड अगर चाहिए कि हमको यही कंपाउंड बनाना है, तो उसका एक स्पेसिफिक रेशियो होता है, जो एलिमेंट्स है वो बनाने वाला जो है वो स्पेसिफिक, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो प्रीडिटरमाइंड होता है और फिक्स होता है। तो होल नंबर के टर्म में, अभी ये देखो यहाँ पर होल नंबर क्या है, यहाँ पर दो अटोम्स ऑफ मैंने हाइड्रोजन लिए, मतलब दो क्या है आपका होल नंबर है, एक जो है ऑक्सीजन अटोम है, एक क्या है आपका होल नंबर है। तो होल नंबर के प्रोपोर्शन में ही उनका जो है वो रेशियो होता है कि दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे जो है हमारे नेचर में हमको प्रेजेंट करते हैं। एक तो मैंने पानी का बताया, फिर दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कैसे बनेगा, एक कार्बन प्लस दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया, पर एक्चुअल में होता कैसे है, मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे टेक्स प्लेस करता है, कि आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कंपाउंड एक्चुअल में कैसे फॉर्म होते हैं। तो पानी के कंपाउंड के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअल में पानी का जो आपका रेणु, आप जिसको मराठी में कहते हैं, या फिर जो पानी का मॉलिक्यूल बनता है, तो वो कैसे बनता है एक्चुअल में हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है आपकी, या फिर एक एटॉमिक डायग्राम जिसको आप कहेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है ऑक्सीजन का, वो हम देख रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल सॉरी एटॉम है, उसके अंदर ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये आपका न्यूक्लियस है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है ये न्यूक्लियस है आपका ऑक्सीजन का, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद में ये जो काले रंग की मूर्ति आपको दिख रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो जैसा हमारा सोलर प्लैनेट सिस्टम काम करता है, तो वैसे ही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो यहाँ पर सन की जगह पे आपका न्यूक्लियस है, और ये प्लैनेट्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वो कैसे भी मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन उनका चलते रहता है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर तिरछा ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे उनका मोशन जो है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू वो अपना रोटेशन जो है वो कंप्लीट करते रहेंगे। तो आपको जैसे पहले से मतलब पिछले स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि पहली जो कक्षा होती है, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है दो इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो पूरी भर गई है दो इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए सेकेंड ऑर्बिट जो है उसके अंदर मैक्सिमम लिमिट होती है एक इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ऑक्सीजन के पास में कितने हैं आप गिन के देखिए, ऑक्सीजन के पास में सिक्स जो है बाहर के इसमें प्रेजेंट है। अभी वो उसको अपना जो है स्पेसिफिक, मतलब उसको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, दो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन जो है उसका सिंपल एक ही ऑर्बिट है, और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो मैंने क्या किया, दो एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो लिए, जिनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आते वक्त वो क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आएगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर कंबाइन होगा, दूसरा यहाँ पर कंबाइन होगा, और इस तरह से वो एक दूसरे के बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के वो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आएगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है उसका द्विक पूरा हो जाएगा, मतलब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होने की वजह से जो है इसका द्विक जो है, द्विक मतलब ड्यूएट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो उसका स्टेबलाइज पोजीशन उसको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के मिल जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन का जो एटॉम है वो भी स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पर, मतलब कुछ इस तरह से आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर एक आएगा और दूसरा कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, उसके कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर उसका जो है दो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्टेबल कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमको इस तरह से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से H2O यानी
पानी का एक मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये आपका पानी का मॉलिक्यूल जो है वो आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन जो होता है, यहाँ पर मैं दो ही हाइड्रोजन ले रही हूँ, एक ही ऑक्सीजन मैंने लिया है, तो ये स्पेसिफिक जो आपका रेशियो होता है वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए फिक्स्ड होता है। तो इसी तरह से आपको जो है वो कंपाउंड बनाने होते हैं, इसी तरह से आपकी कंपाउंड जो है वो फॉर्मेशन होते रहता है। तो यहाँ तक समझ गया दोस्तों कि कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड कैसे बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा छठवां जो प्रेडिक्शन है, लास्ट प्रेडिक्शन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद में हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। ओके, लास्ट प्रेडिक्शन जो था डाल्टन सर के एटॉमिक थ्योरी का, वो था रिलेटिव नंबर ऑफ अटोम एंड टाइप्स ऑफ अटोम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। तो कांस्टेंट होना मतलब क्या, कि आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, पानी का जो प्रपोर्शन है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सेम ही रहेगा। दूसरा, जो हाइड्रोजन अटोम्स और ऑक्सीजन अटोम्स हम देख पाते हैं, सॉरी हम देख नहीं पाते हैं नेकेड आई से, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उनको देखते हैं तो वो जो होता है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर हमको मिलता है। मतलब पानी का जो एक मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर पानी के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में कॉन्स्टेंट होता है। मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आपका जो पानी का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, वो थ्रू आउट एक जैसा ही होता है, वो कॉन्स्टेंट होता है। यही छठवां जो है प्रिडिक्शन वो डिपेंड करता है, सॉरी रिप्रेजेंट करता है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे हम हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इट स्टेट्स दैट द वेट ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जो केमिकल रिएक्शन हम करने वाले हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है। तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो भी एलिमेंट हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे, उनका वेट, मतलब वेट ऑफ रिएक्टेंट, वेट रिएक्टेंट इक्वल टू वेट जो है वो सिमिलर होता है। इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ में अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो बेटर रहेगा। तो एग्जांपल के साथ में स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक काम कीजिए, सपोज मैंने क्या किया, एक तराजू लिया, तो मैंने क्या किया, पहले वेट कर लिया लकड़ी का, ठीक है, मैंने लकड़ी इस्तेमाल की है, तो मैंने लकड़ी का वेट जो है वो कर लिया। फिर उसके बाद में जो मैं फ्यूल यूज करने वाली, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो भी केमिकल यूज किया है बर्न करने के लिए, स्पिरिट है या फिर मिट्टी का तेल है, उसका भी वेट मैंने यहाँ पर कर लिया, जो फ्यूल है उसका। तो ये सारी चीजें मैंने क्या किया, वेट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है उनको 100 ग्राम जो है मैंने चीजें ली है, दोनों मिला के 100 ग्राम की चीजें मैंने ली। उसके बाद में मैंने एक बॉक्स के अंदर, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर उसको जला दिया, ठीक है। तो जलाने के बाद में क्या फॉर्म होगा, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, आपको ऐश मिलती है, राख जो है वो मिलती है, और उसके साथ में जो है वो स्मोक भी बनता है। तो सपोज अगर मैंने इस सिस्टम के अंदर इसको अगर बर्न करने के बाद में मुझे ऐश और स्मोक दोनों मिल रहे हैं, और मैंने ये सिस्टम का पूरा अगर वजन किया, तो ये पहले वाला वेट और ये वाला वेट जो है वो सिमिलर रहेंगे। मतलब यहाँ पर जो मुझे राख मिल रही है, साथ ही साथ जो स्मोक मिल रहा है, उनका अगर साथ साथ में वेट अगर मैं करूंगी तो मुझे 100 ग्राम्स ही मिलने वाला है। इसको और क्लियरिफाई करते हैं, सपोज मैंने एक ग्लास में बर्फ लिया, ठीक है, कुछ बर्फ के आइस के मैंने टुकड़े जो है वो डाल दिए, ओके, उसका मैंने पहले वेट कर लिया। सपोज मैंने 50 ग्राम जो है आइस लिया,
फिर उसके बाद में कुछ देर बाद में क्या होगा, जैसे आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद वो वाटर में फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप वेट करेंगे तो उसका वेट आपको 50 ग्राम ही मिलता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज हो गई, ये जो चीज है उसकी स्टेट चेंज हो गई, फिर भी उसका वेट जो है वो यहाँ पर सिमिलर ही रहा। यहाँ पर हालांकि कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है, सिर्फ मैटर का स्टेट चेंज हुआ। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा डिफर नहीं करता है पहले वाले से, तो फिर भी यहाँ पर जो है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है वो अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का वेट देखो वो सेम ही आने वाला है। और अगर सपोज आपने समुद्र का पानी लिया, आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, लैब के अंदर करना है, ये घर में नहीं पॉसिबल होता है क्योंकि इतने गैजेट्स हमारे घर में अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, समंदर का पानी लिया, समंदर का पानी बहुत मीठा होता है ना, फुल ऑफ नमक होता है वो, ठीक है, सॉल्टी सा पानी आपने लिया। फिर इस पानी को आपने क्या किया, हीट दिया नीचे से इसको विद हेल्प ऑफ बर्नर, आपने क्या किया, हीट किया। लेकिन आपने क्या किया, ये जो उसका मुंह है, बोतल का जो मुंह है, आपके बीकर का जो मुंह है, विद हेल्प ऑफ कॉटन जो है वो बंद कर दिया। अगर कॉटन से आप इसका मुंह अगर बंद कर देते हो तो कुछ देर बाद क्या होगा, या फिर एक रबर के साथ में अगर इसको बंद कर दो, या फिर इसको एक अलग जगह पे इसको डाइवर्ट कर दिया हमने, सपोज मैंने यहां से जो भाप निकलने वाली है उसको डाइवर्ट करके एक अलग पैन के अंदर जो है, अलग बर्तन के अंदर जो है वो कलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे जैसे आपका पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा वो सारी भाप निकल के यहाँ पर जमा होगी, फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर हम हीट नहीं दे रहे तो यहाँ पर वो भाप ठंडी हो जाएगी। भाप ठंडी होने के बाद में उसका कन्वर्जन किसमें होगा, वापस उसका कन्वर्जन जो है वो स्टीम का कन्वर्जन जो है अगेन वाटर में हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो है वो वाटर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर जो है नीचे वो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो सॉल्ट के जो क्रिस्टल है उसके बाद में ये जो पानी है इनका अगर आप वेट करो तो पहले जितना था, स्टार्टिंग में हमने जितना सॉल्ट वाटर लिया था या फिर जो सी वाटर हमने लिया था उतना ही वेट दोनों मैटर्स का मिला के, दोनों प्रोडक्ट्स का मिला के हमको मिलने वाला है। यहाँ पर सिंपली केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसी तरह से आपको ये मैटर ऑफ सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन चीजों को, कि पहले केमिकल रिएक्शन के पहले जो चीजें आपने यूज की है उनका वेट, और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो चीजें बनने वाली है उनका वेट, दोनों सिमिलर होते हैं। तो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो यहां तक क्लियर दोस्तों, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए पॉइंट के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको ये वीडियो टाइम पर मिलता रहे।